So welcome all of you with another new video. Today video I will share with you all how to make a vintage bird which I made inspired from by a decor website and I loved it. I hope you like it. Now let's start it without wasting too much time. Hello, welcome back to my channel Drilling Art with me. तो मैं ले रही हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप वाइट सीमेंट भी ले सकते हैं और सीमेंट भी ले सकते हैं। ये मेरे पास मफिन मोल्ड है और आप इसकी जगह पे कोई भी बॉटल का बॉटम कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या सीमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बिल्कुल एक अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लीजिए और इसमें थोड़ा फेविकोल भी ऐड करके इसको अच्छे से फिल कर दीजिए इन मोल्ड्स में अच्छे से डैप डैप करके। अब इसको थोड़ी देर साइड रख दीजिए। मैं ये बर्ड क्रिएट करूँगी। ये मेरे पास है एयर ड्राई क्ले। करना क्या है कि आपको इस एल्युमिनियम फॉइल को अच्छे से टाइट एक बॉल रेडी कर लेनी है और इसको इस एयर ड्राई क्ले के अंदर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो आप बर्ड क्रिएट कर रहे हैं वो थोड़ी सी सॉलिड भी होगी और एक थिक उसकी बॉडी क्रिएट होगी। क्ले को पीछे इस तरीके से स्ट्रेच कर लेना है लाइक दिस। फोल्ड करते हुए इसको हाथों से ऐसे प्रेस कर लेना है। विंग्स बनाने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़े से पीस को लेके ओवल शेप में इसको बेल लेना है और सेंटर से कट कर लेना है। दोनों साइड पे आपको फेविकोल की हेल्प से इसको फिक्स कर लेना है इस तरीके से और आपको अदर साइड भी यहाँ पर इस तरीके से इसको फिक्स कर लेना है जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। टॉप में हेड रखना है आपको बर्ड का और उसकी चोंच बनानी है जो कि मैं बिल्कुल इस तरफ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग उसका फेस कर सकते हैं। ये दोनों भी ड्राई हो चुके हैं। अब इसको बहुत आराम से रिमूव कर लीजिए क्योंकि ये मैंने मोल्ड यूज़ किए हैं तो उसमें बहुत आसानी से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, मेरे पास ये एक सिलाई वाली सुई है और क्या करना है कि इसको ऐसे उल्टा करके इस पर फेविकॉल लगा के इसको फिक्स कर लेना है। आप सिंगल पीस भी रेडी कर सकते हो लेकिन मैंने ये दो छोटे छोटे पीस से एक मेन पीस रेडी किया है। फेविकॉल लगा के यहाँ पे मैं ये एयर ड्राई क्ले फिक्स कर रही हूँ और इसका जो एक पोर्शन बर्ड के बॉटम नीचे से और एक मैंने इस जो उसका बेस रेडी किया स्टैंड उस पर लगा दिया है। अच्छे से फिक्स करने के बाद एक मैं स्टिक ले रही हूँ, ये एक वुडन स्टिक है। इसको यहाँ पे ये क्राफ्टिंग वायर की हेल्प से फिक्स कर लेना है ऐसे घुमाते हुए, जिससे क्या होगा ये सॉलिड हो जाएगा और बाद में आप ऊपर से इस पर एयर ड्राई क्ले लगा लीजिए जिससे कि ये जो एयर ड्राई क्ले की हेल्प से क्या होगा कि आपकी जो वायर्स हैं वो हाइड हो जाएंगी और आपका ये एक बर्ड ब्यूटीफुल सी रेडी हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि जो इस पर छोटी छोटी आईज़ के लिए आप वो छोटी छोटी बॉल्स रेडी करके फिक्स कर लेना है, टेस्ट कर लेना है। और अब करना क्या है कि मैं जो बना रही हूँ वो 3D आउटलाइनर है। इसके लिए मैंने फेविकॉल और साथ में पाउडर लिया है। आप पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिए और जो फेविकॉल है वो थोड़ा सा कम और इस पेस्ट को अच्छे से इसमें कीप में जो मैंने प्लास्टिक की बनाई है उसमें फिल कर लीजिए और ये आउटलाइनर आप अपनी क्रिएशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं बहुत सिंपल सा दे रही हूँ और उतना क्लियर नहीं है ये सब कुछ, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल डिज़ाइन है। बाद में ये और अच्छे से दिखेंगे। तो मैंने इस बर्ड पे अच्छे से आउटलाइनर करके डिज़ाइंस बना लिए हैं। तो अब क्या करना है कि जो कीप है उसको नीचे यहाँ पे आप फिर डेकोरेट कर लो अपने अकॉर्डिंग। जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग कलर करना चाहो कर सकते हैं, पर मैं जो विंटेज बर्ड बना रही हूँ उसके लिए बेस कोट जो है वो मुझे ब्लैक लेना है। अच्छे से ब्लैक कलर उसको फिल कर लीजिए। कलर होने के बाद इसको ड्राई होने रख देना है। जब ये ड्राई हो जाए तो आपको लेना है एक्रेलिक गोल्डन कलर और इसको
स्पंज की हेल्प से डैप डैप करते हुए जहाँ पे आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है सिर्फ उसी एरिया में आपको इसको हल्का हल्का डैप करना है इस तरीके से। और सेम आपको नीचे जो इसका बेस है जिसमें मैंने इसको स्टैंड किया है उसमें भी, और इसकी जो स्टिक्स हैं जिसका ये स्टैंड है मतलब, उस पर भी आपको सेम ऐसे ही करना है जैसे कि विंटेज बर्ड हो, और वैसे ही आपने नीचे भी कर लेना है। बहुत आराम से देखिए किस तरीके से मैं इसकी स्टैंड पे भी कर रही हूँ, और थोड़ा सा जो मेरा वर्टिकल स्टैंड है और जो मेरा हॉरिजॉन्टल है उस पर भी किया है। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली रेडी हुआ है। वेल प्लीज़ लीव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू रियली लाइक इट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़। Bye and take care. Thanks for watching.